सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उदित नारायण के बारे में। तो आपको बताओ, ये बॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है। तो कल ना एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि उदित नारायण जी का जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गया, बट वो न्यूज है कम्प्लीटली फेक न्यूज है। उनका हेल्थ जो अभी कम्प्लीटली फाइन है, ऐसा करके बहुत सारे आर्टिकल्स भी आउट हो चुके हैं। तो कल जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि उदित नारायण जी का जो डेथ हो गया, ऐसा नहीं है, मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टेटस डाल रहे थे, स्पेशली ये वाला था इंजीनियर ब्रो का। तो चलिए वो अगली अपडेट के भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के मैनेजर रोहित राज जो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जहाँ पे वो जो हंसा रिसर्च का एक पोस्ट शेयर किए थे, जहाँ पे लिखा गया है कि हंसा रिसर्च के अकॉर्डिंग भुवन बाम जो है नंबर वन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और जहाँ पे कुछ और लिस्ट है, अमिताभ बच्चन जी भी उस लिस्ट में, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सेलिब्रिटी इन द कंट्री विद अ वेरी हाई ऑल इंडिया रैंक, सचिन तेंदुलकर जो एमएस धोनी एंड विराट कोहली के आगे स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, कपिल शर्मा पॉपुलर टीवी मेल स्टार सेलिब्रिटी के लिस्ट में, मौनी रॉय है मोस्ट पॉपुलर टीवी स्टार फीमेल सेलिब्रिटी, अल्लू अर्जुन एंड समंता प्रभु है मोस्ट पॉपुलर साउथ स्टार्स के लिस्ट में। इसके ऊपर भुवन बाम भी रिएक्ट कर रहे थे, आप देख सकते हो, बोले कि ऑनर्ड, क्या आप लोग ये लिस्ट को देखकर खुश हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वो अगली अपडेट का टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी का एक वीडियो अपलोड किया लावा फोन को एक्सपोज करते हुए। यस, कैसे जो है लावा वाले फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट में जो है कार्तिक आर्यन भी है। मैं टेक्निकल गुरुजी के वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, पूरा वीडियो देखना तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और एक जगह पे गाड़ी पार्क करते हैं, दूर एक चिड़िया दिख रही होती है। अब पहचान में नहीं आता कि वो चिड़िया कौन सी है, बट जब इस फोन के 50 मेगापिक्सल्स 6x जूम कैमरा को यूज करते हुए फोटो खींचते हैं, तो फोटो कुछ ऐसी आती है। मजाक लगा रखा है क्या भाई? ये जो फोटो है, ये क्लियरली इस फोन से खींची हुई नहीं है। आप पूछोगे कि मेरे को कैसे पता? क्योंकि जब मैंने इस फोटो को ढूंढा इंटरनेट पे, क्योंकि मेरे को पता था कि ये लावा के फोन से तो फोटो आ नहीं सकती, तो मुझे अडोबी की स्टॉक इमेजेस वेबसाइट पे ये फोटो मिली। और ये जो फोटो है, ये क्लिक की है सोनी A7R3 कैमरा से, एक 700mm के वाइल्ड लाइफ लेंस को अटैच करते हुए। और मजे की बात, ये फोटो जापान में क्लिक हुई है, जो कि इस फोटो का एक्चुअल ओरिजिनल इमेज जो मेरे पास में है, इसका मेटाडेटा बोल देता है। लावा ने केवल इसके बैकग्राउंड को चेंज किया अपने शॉट की कंटिन्यूटी को मैच करते हुए। लावा पता है आपने क्या किया है? आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है इस एड के साथ में। तो चलिए अब अगली अपडेट का इलॉन मस्क के बारे में। तो आपको बताओ, इलॉन मस्क जो है ट्विटर खरीदने वाले थे, लेकिन बीच में ऐसा न्यूज आ रहा था कि अब वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन अभी फिर से कुछ न्यूज आ रहा है कि इलॉन मस्क जो है खरीदने वाले, सेम उसी प्राइस में, $44 बिलियन में, पर शेयर का वैल्यू $54.20। यस, यहाँ पे लिखा गया इलॉन मस्क हैज एग्रीड टू गो अहेड विद $44 बिलियन ट्विटर डील। इलॉन रिपोर्टेडली कॉन्फिडेंशियली फाइल्ड अ लेटर सीकिंग टू प्रोसीड विद द डील। तो लगता है ये ट्विटर डील जो है कंफर्म होने वाला अभी। और ट्विटर से रिलेटेड एक और न्यूज है, तो आपको बताओ, कुछ टाइम पहले न्यूज आ रहा था कि ट्विटर जो अभी एडिट बटन लाने वाला है। जो लोग ट्विटर यूज नहीं करते उनके लिए बता दूं, आप जो ट्विटर में कुछ ट्वीट करते हो, फिर आप जो एडिट नहीं कर सकते हो। लेकिन ट्विटर जो उसका टेस्टिंग वगैरह कर रही थी रिसेंटली, MKBHD भी एक ट्वीट किए थे, आप देख सकते हो, वो ऐसे ट्वीट किए थे, लास्ट में वो लिखे, दिस इज एन एडिटेड ट्वीट, यू आर वेलकम, एंड नीचे लिखा गया लास्ट एडिटेड 250 AM। और लास्ट एडिटेड पे अगर आप क्लिक करते हो ना, देन फिर उन्होंने पहले जो ट्वीट किया था वो भी दिखाता है ट्विटर। मतलब कि अगर आप कुछ ट्वीट करते हो, देन फिर आप एडिट करते हो, देन फिर भी जो है लोग देख पाएंगे आपने क्या ट्वीट किया था पहले। तो ये चीज मुझे भी काफी सही लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए वो अगली अपडेट का ड्रीम के बारे में। तो आपको बताओ, रिसेंटली जो ड्रीम ने फेस रिवील कर दिया था, उसके ऊपर रिसेंटली आईसो स्पीड का भी रिएक्शन आया। यस, काफी क्रेजी रिएक्शन था, आप देखिए। हियर गो, हाय, फॉर रियल, आई एम ड्रॉपिंग इट, हाय, फील्स सो ऑकवर्ड। माय नेम इज क्ले, अदरवाइज नोन एज ड्रीम ऑनलाइन। May have heard of me, may have not, maybe you clicked on this video just out of pure curiosity and you don't care who I am, but now you've seen my face. I know him! Obviously, he was at the charity match! It's him! तो चलिए अब अगली अपडेट का ट्रिपल आर के बारे में। तो आपको बताऊंगा, ट्रिपल आर का जो ऑफिशियल एंट्री नहीं मिला था ऑस्कर में, जिसके बाद से ट्रिपल आर के फैंस जो है खुश नहीं थे। लेकिन अभी का अपडेट ये कि ट्रिपल आर को जो 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट करने के लिए सबमिट किया गया। कैटेगरीज कौन कौन से आप देख सकते हो, बेस्ट डायरेक्टर SS राजामौली, बेस्ट एक्टर जूनियर NTR रामचरण, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अजय देवगन, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट, एंड बाकी लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके ऊपर अभी एंड न्यू भी रिएक्ट कर रहे थे, वो लिखे, ट्रिपल आर गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर वुड बी अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडियन सिनेमा, इट गिव्स मी इमेंस प्राइड दैट this level of VFX is done in India. It's high time the technical departments get their due. What do you think? और यहाँ पे मूवी का बात हो गया, तो बात करते हैं आदि पुरुष के बारे में। तो आपको बताओ, जब से आदि पुरुष का टीजर आउट हुआ, तब से जो है अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि VFX जो है बहुत ही गंदा है उसका, मतलब कि बच्चों वाले VFX है ऐसा करके। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ना, जिनका वेरीफाइड टिक है, वो लोग जो आदि पुरुष के टीजर का तारीफ कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा बोल रहे टीजर के बारे में। इसके ऊपर BNF TV लिखे, आदि पुरुष की PR टीम काम में लग चुकी है दोस्तों, जल्दी जल्दी वेरीफाइड हो जाता
पेड ट्वीट करने मिलेंगे। और जो देसी नट भी लिखे, सुनने में आया कि वेरीफाइड टिक वालों को समोसा मिल रहा है, सही है क्या? मैक्स ने उसका रिप्लाई किया, कहां मिल रहा है? ये लो एडवांस में। बेसिकली यहाँ पे यही बताया कि उनका भी जो है वेरीफाइड अकाउंट है, लेकिन उनको नहीं मिला है पैसे। तो चलिए अब अगली अपडेट क्या, मोहम्मद जुबैर के बारे में। तो जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है आपको पता होगा, और जो प्रतीक सिन्हा, ये भी जो ऑल्ट न्यूज से जुड़े हुए, तो इनको जो नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज के कैटेगरी में। यस, इसके ऊपर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करे, कांग्रेचुलेशन टू प्रतीक सिन्हा एंड मोहम्मद जुबैर फॉर बीइंग लिस्टेड एज ए नॉमिनी फॉर द नोबेल पीस प्राइज। एवरी ट्रू इंडियन वुड फील प्राउड। ऑल्ट न्यूज इज प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन सेफ गार्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम फैसिस्ट फोर्सेस। इग्नोर द ट्रोल्स एंड कीप अप योर वर्क। फिर उसके बाद ना लक्ष्य चौधरी भी उस ट्वीट का रिप्लाई किया ध्रुव राठी का, वो लिखे भाई पीस का स्पेलिंग गलत लिख दी। तो चलिए अगली अपडेट कर सकते हैं केआरके के बारे में। तो केआरके आपको बताओ, कुछ टाइम पहले बोलते कि वो जो क्विट कर रहे रिव्यूज वगैरह करना मूवीज का, एंड वो जो बहुत टाइम से वीडियोज वगैरह भी अपलोड नहीं करे अपने चैनल पर। तो कल वो एक ट्वीट किए थे, टू मेनी पीपल आर रिक्वेस्टिंग मी टू कंटिन्यू माई रिव्यूज, शुड आई कंटिन्यू रिव्यूइंग फिल्म्स, लाइक फॉर यस एंड रीट्वीट फॉर नो। एंड आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, तो इसका मतलब वो जो है कंटिन्यू करने वाले रिव्यूज। केआरके ने छोड़ा नहीं था भाई, जिनको लग रहा बता दूं। और यहाँ पे ट्वीट का बात हो गया, तो बात करते केकेएल के बारे में। तो आपको बताओ, कुछ टाइम पहले केकेएल एक वीडियो अपलोड किए थे, जहाँ पे बताए थे कि वो जो अपने मेन चैनल पर वीडियोज वगैरह अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि उसका रीच वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गया, एंड उनके दो और चैनल है वहाँ पे वो वीडियोज वगैरह अपलोड करेंगे, क्योंकि एक बार अगर चैनल का रीच खत्म हो जाता है तो उसको जो है रीच नहीं मिलता वापस। एंड आपको बताओ केकेएल के दोस्त ट्रिगर्ड इंसान है, वो एक ट्वीट किए थे, लिटिल सैड टू सी कलका लौंडा लीविंग हिज ओजी केकेएल चैनल दैट आई ऑनेस्टली सॉ ग्रोइंग अलोंगसाइड माय चैनल फ्रॉम द स्टार्ट। वी हिट 100K ऑलमोस्ट अराउंड द सेम टाइम, बट देन थिंग्स गॉट मेस्ड अप विद द हैकिंग शीट, बट इट्स अ न्यू स्टार्ट, होप ही रीचेस इवन ग्रेटर हाइट्स। यहाँ पे वो बताया कि उन दोनों के जो 100K सब्सक्राइबर्स जो थे ना, वो ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुए थे। एंड कलका लौंडा का भी आप सब्सक्राइबर देख सकते हो ना, उनका ग्रो नहीं हो रहा है, बेसिकली उनका चैनल भी जो बहुत बार हैक हो चुका है, इसके लिए भी शायद से रीच वगैरह कम हुआ होगा। तो चलिए अगली अपडेट कर अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का ना एक सॉन्ग आउट हुआ है, मेरा सर पे ताज जैसा, उनका कुछ एक प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा जूनियर, उसी का सॉन्ग है ये। एंड उसके बारे में वो एक पोस्ट भी किए थे, जहाँ पे बताया कि उन्होंने खुद लिखा एंड कंपोज किया उस सॉन्ग को, एंड ये जो सॉन्ग है मेरा जूनियर, जो उनका वीडियो आ रहा है, उसका फर्स्ट सॉन्ग है ये। एंड यहाँ पे लिखा भी गया है सिंगर है सजीव धार, एंड लिरिक्स एंड कंपोजर है अमित भड़ाना। सो अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।